ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाने के उद्देश्य से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा के तरौली जनूबी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता और सरकार के बीच की कड़ी को मजबूती देते हुए सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर की जानकारी देने के साथ साथ बताया कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा और सरकारी विद्यालयों के स्तर को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के कबीना मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। आप बताओ, मुझे 12,000 की आबादी है और 12,000 की आबादी में जूनियर हाई स्कूल में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 150। 150 बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और जूनियर हाई स्कूल में तो मुझे लगे 100 लड़के 96 बच्चे। भाई पहले तो आप ये बताओ, दूसरी जगह पढ़ाओगे तो वहां पैसे दोगे कि नहीं? मुफ्त आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। और यहाँ यदि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजोगे, जूते मिलेंगे, मोजे मिलेंगे, पूरी ड्रेस मिलेगी और पूरी ड्रेस के साथ साथ किताब फ्री मिलेगी, बस्ता मिलेगा। और उनको नहीं मिले हैं तो तत्काल उनको सिलेंडर दिलवाना, गैस के सिलेंडर आपको मुफ्त दे रही है। प्रदेश मंत्री की अपील को सार्थक बनाने के लिए निश्चित तौर पर सरकारी मशीनरी को भी इसमें पहल करनी होगी, क्योंकि सरकारी शिक्षा का स्तर बदलने के बाद ही विद्यार्थियों का रुख इन विद्यालयों की ओर हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।